इलेवंथ क्लास, इलेवंथ क्लास के अंदर 13 चैप्टर हैं, हम पढ़ेंगे इसके अंदर थर्ड यूनिट से स्टार्ट करेंगे, यूनिट थर्ड पीरियोडिक टेबल। दिस टॉपिक, दिस टेबल यू आल्सो स्टडीड इन 10th क्लास, 10th क्लास के अंदर आपने ये पढ़ रखा है। इसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास में नाउ एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स आर नोन। द क्लासिफिकेशन या द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द डोबेनाइज ट्राइड्स यू स्टडी इन 10th क्लास, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड मेंडेल पीरियोडिक टेबल। दिस इज आल्सो रिमूव फ्रॉम 11th क्लास। इन दिस यूनिट वी विल स्टडी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज आल्सो कॉल्ड बोहर्स टेबल विच इज कॉल्ड नॉर्म फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर सबसे पहले आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? बिफोर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। बट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड द सिंगल अरेंज इन ऑर्डर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर। दैट इज, इसके बाद आप रेफरेंस ले सकते हैं व्हेन द एलिमेंट्स आर arranged in order to their increasing atomic number, then the properties are similar, then the similar properties of elements are repeated after certain regular interval of time। यानी कि हमारे पास में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, कैसे अरेंज किया गया? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, तो आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, सिमिलर प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स की वो क्या हो गई हमारे पास में, रिपीट होती चली गई। इसको क्या कहते हैं हम? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। या दूसरी डेफिनेशन क्या है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू देयर एटॉमिक नंबर।
यानी कि एलिमेंट्स जो है वो पीरियडिक फंक्शन किसके थे, इनके एटॉमिक नंबर के थे, इनको हमने अरेंज किया है वो अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जो है वो अरेंज किया है। इसके बाद में आता है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी क्या होती है, द एलिमेंट्स हैव सिमिलर आउटर कॉन्फिगरेशन आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवेल ऑफ टाइम। यानी कि सिमिलर आउटर कॉन्फिगरेशन, जैसे आपने पढ़ लिया लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम और फ्रेंशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपके पास में, 3, तो क्या लिखेंगे आप, 2 और 1। सोडियम का कितना होता है, 2, 8, 1 यानी कि 11। इसका कितना होता है, 19, तो 2, 8, 8, 1। तो ये हमारे पास में आप देख रहे हैं मैंने क्या लिखा, सिमिलर आउटर कॉन्फिगरेशन। सिमिलर आउटर कॉन्फिगरेशन का मतलब क्या है, लास्ट सेल में हमारे पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे, इनके पास में 1-1 इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते चले जाते हैं। इनके अंदर भी ऐसा ही होगा, 2, 8, 18, 8 और क्या आ गया हमारे पास में 1, ऐसे लास्ट बीच में। तो इन दोनों में भी क्या आएगा हमारे पास में, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। इसके अंदर कितनी सेल्स थी, 2, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, इसमें कितनी आ जाएंगी, 7। लेकिन लास्ट जो सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा हमारे पास में, 1-1 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होगा। तो ये सिमिलर आउटर कॉन्फिगरेशन जो है वो इनकी प्रेजेंट होती है। अब इसके बाद में आता है कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है इसकी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास में कैसी होती है। आप देखेंगे कि इसी के अंदर हमारे पास में सबसे पहले 2 चीजें हैं, एक तो आता है ग्रुप्स और एक आता है पीरियड्स। द वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। दीज आर नंबर 1 to 18। यानी कि वर्टिकल कॉलम उनको क्या कहते हैं, हम ग्रुप्स कहते हैं, और इनके नंबरिंग क्या होते हैं, 1 से 18 तक हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं। पीरियड्स, द हॉरिजॉन्टल रोज, हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड। क्या कहते हैं इनको, पीरियड कहते हैं। दीज आर नंबर 1 to 7। मॉडर्न जो पीरियडिक टेबल है इसमें 18 तो ग्रुप है और 7 क्या है हमारे पास में, पीरियड्स। इसके बाद में आता है कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल हमारे पास में स्ट्रक्चर कैसे होगी। आप देखेंगे अब यहां से ये हाइड्रोजन, ये लिथियम, यहां से आप देखेंगे ये। अब इसके अंदर हमारे पास में ये ऐसे दिखा था, इसके अंदर हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन, सॉरी लिथियम के बाद क्या रहेगा यहां पे, ये बेरिलियम और किधर आ जाओ आप, बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन, और ये क्या आ जाएगा आपके पास में, नियॉन, और किधर क्या आ जाएगा आपके पास में, हीलियम, यहाँ से सोडियम पोटासियम ना सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, और ये क्या आ गया, आर्गन। इसके बाद में आ जाएगा आर्गन के बाद में
पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये ऐसे। अब यहां से ये फर्स्ट ग्रुप है, ये सेकंड ग्रुप है, ये हमारे पास में 13, 14, 15, 16, 17 और ये क्या है 18। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये क्या आ गया 12। ये हमारे पास में फर्स्ट सेकंड यहाँ से 13 to 18 और ये लास्ट बीच के अंदर क्या हो गया हमारे पास में, ये ऐसे ये क्या हो गया 3 to 12 जो है हमारे पास में पढ़ने को। अब इस पीरियडिक टेबल को चार ब्लॉक्स के अंदर, अब देखो ये तो ग्रुप हो गए हमारे पास 18। पीरियड में आप कैसे लेंगे, ऐसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और ये फ्रांसियम, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये जो है ये 7, ये तो क्या हो गए हमारे पास में पीरियड्स और ये क्या हो गए हमारे पास में ग्रुप्स 18। तो एक ग्रुप्स के अंदर, इन एक ग्रुप में आप कैसे चलेंगे, टॉप टू बॉटम या अप टू डाउन, क्योंकि ये ग्रुप है इसकी प्रॉपर्टीज ऐसे स्टडी करेंगे आप, अप टू डाउन और टॉप टू बॉटम। लेकिन इन ए पीरियड में कैसे चलेंगे आप, लेफ्ट टू राइट, कैसे चलेंगे लेफ्ट टू राइट, ऐसे जब आप प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे वो किसकी होंगी, एक पीरियड्स की होंगी, और जब आप ऐसे प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे वो किसकी होंगी, हमारे पास में ग्रुप्स की होगी। तो ये जो पीरियडिक टेबल है, दिस पीरियडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू फोर ब्लॉक्स, दैट इज ग्रुप फर्स्ट और सेकंड इज द एस ब्लॉक एलिमेंट, क्या कहते हैं इसको, एस ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 13 टू 18 आर कॉल्ड द पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप 3 टू 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट, एंड यू सी देर आर टू लाइन्स इन विच द 14 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट बिलो द पीरियडिक टेबल विच आर नॉट प्लेस्ड इन द पीरियडिक टेबल, ये पीरियडिक टेबल में नहीं, ये पीरियडिक टेबल से नीचे एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, दीज आर कॉल्ड द एफ ब्लॉक एलिमेंट विच इज कॉल्ड द लेंथेनॉइड, और क्या बोलते हैं इसको, एक्टिनॉइड्स। जो पहली लाइन है वो एलिमेंट्स किसके हैं, लेंथेनॉइड्स के, और जो नीचे की लाइन है वो किसके हैं हमारे पास में, एक्टिनॉइड्स के एलिमेंट्स हैं। तो इस पीरियडिक टेबल को चार ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब यहां पे इस पीरियडिक टेबल के अंदर हम देखते हैं कि आप लेफ्ट टू राइट जब पीरियड के अंदर चलेंगे और टॉप टू बॉटम और अप टू डाउन आप इसके अंदर चलेंगे, ग्रुप्स जो है उसके अंदर चलते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि इसके अंदर की कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास में वो कैसे होती है, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो कैसे चेंज होती है। अब देखो सबसे पहले आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द पीरियड्स, फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड कंटेन टू एलिमेंट, दो ही एलिमेंट है इसके अंदर, कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर गोज टू द 1s एलिमेंट। सेकेंड पीरियड कंटेन 8 एलिमेंट, सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 8 है, सेकेंड और थर्ड पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स पर देंगे। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स, सिक्स और सेवंथ पीरियड कंटेन्स 32 एलिमेंट्स, सेकेंड और थर्ड पीरियड में सिक्स और सेवन कितने हैं हमारे पास में, 32 एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। 32 इसके अंदर होते हैं, 32 इसमें होते हैं, 18 इसमें होते हैं, 18 फोर में होते हैं, 18 फिफ्थ में होते हैं, लेकिन सेवंथ जो है वो हमारे पास में क्या है, इनकम्प्लीट है, अभी तो एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर नहीं हुए।
इन ए पीरियड, पीरियड में जब आप चलते हैं तो हमारे पास में एटॉमिक नंबर आर इंक्रीज, विच इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो किसको इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन ए ग्रुप, ग्रुप के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल रिमेन्स सेम बट द नंबर ऑफ सेल्स आर इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो क्या होती है हमारे पास में इसके अंदर इंक्रीज होती चली जाती है। ये था हमारे पास में इनका क्लासिफिकेशन, पीरियड्स जो है और हमारे पास में ग्रुप्स जो है। तो फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ और फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स हैं, फिफ्थ और सेवंथ 32 एलिमेंट्स। ये चीजें जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है ये भी आपने क्या किया था कि इसके अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंदर। इसके बाद है कि डिवीजन ऑफ ग्रुप्स, ये जो पीरियडिक टेबल है चार ग्रुप्स जो है उसके अंदर डिवाइडेशन, वो आपको कल बताएंगे कि डिवाइडेशन जो है कैसे होता है।